Good morning, नमस्कार viewers, दर्शकों, मुझे माफ कीजिए दर्शकों, कभी मुझसे भी गलती हुई तो माफ कर दीजिएगा जनाब। चलिए आज का लर्निंग करते हैं, अर्निंग करते हैं। सबको इंग्लिश सीखनी है ना, और आप तो लाइफ में इंग्लिश सीखकर आगे जाने ही वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपसे हूँ बरहू होना चाहता हूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज बसंत पंचमी है, 16 तारीख फरवरी 2021, और ये है 14th वीडियो, 14वां वीडियो। चलिए आज के दो सेंटेंस आपके लिए बिना कोई भी रुके वेट करते हुए हम शुरू करते हैं। दो सेंटेंस न्यूज़पेपर से लिए हुए आपके लिए आ रहे हैं स्क्रीन पर। अश्विनी सेलिब्रेट्स आफ्टर स्कोरिंग 5th century। अश्विनी सेलिब्रेट्स आफ्टर स्कोरिंग 5th century, मतलब अश्विनी जो हमारा लेग स्पिनर है और हमारा बैट्समैन भी ऑलराउंडर है, सेलिब्रेट मतलब वो जश्न मना रहा है, आफ्टर मतलब बाद में, स्कोरिंग मतलब स्कोर करने के बाद में जश्न मना रहा है। किसके लिए? उसने 5वीं सेंचुरी बनाई जनाब। सेंचुरी का मतलब 100 रन। तो अश्विनी जश्न मना रहा है 5वीं सेंचुरी बनाने के बाद, और आप भी बनाइए इसको एक लाजवाब यादगार। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं फटाफट। पीपल वैल्यू प्राइवेसी मोर देन मनी। जी हाँ जनाब, एक बारी फिर सुनिए, पीपल वैल्यू प्राइवेसी मोर देन मनी मतलब क्या? पीपल मतलब लोग, वैल्यू मतलब आपको उसकी कीमत जानना, प्राइवेसी मतलब मेरी अपनी पर्सनल जो चीज है उसको प्राइवेसी, निजी, प्राइवेसी मतलब निजी, मोर मतलब ज़्यादा, देन मतलब उससे, और मनी मतलब पैसा। तो लोग जो है अपनी निजी चीज़ों को, निजी इन्फॉर्मेशन को, प्राइवेसी को ज़्यादा महत्व देते हैं मनी से, राइट? पीपल वैल्यू प्राइवेसी मोर देन मनी। अब मैंने दो सेंटेंस तो आपके साथ शेयर कर ही लिए हैं, थोड़ी गुफ्तगु तो होगी जनाब, बट होगी वीडियो की लर्निंग के बाद, शब्दावली भी करेंगे थोड़ा बहुत ग्रामर के बारे में, और रिवीजन भी करने वाले हैं। चलिए पहले थोड़ी रिवीजन हो जाए। 13 वीडियोस में हमने क्या देखा कि 6 फ्रेंड्स मिले हमको, और उनका नाम क्या है? ही शी इट आई वी यू दे, ये 6 फ्रेंड्स हैं, और 4 वर्ब्स हैं, इज एम आर और वॉज एन वर। ये हमने इनको इस्तेमाल करना भी सीखा, यूज़ करना सीखा। इसके बाद में मैं आपको आप आने वाले वीडियोस में हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताने वाला हूँ, वुड शुड कुड मे माइट, 5 और दोस्तों को जानेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी तक हम सेंटेंस बना पाए हैं उल्टा पुल्टा टेक्निक से, घर में खेलो प्ले इन द हाउस, उल्टा पुल्टा कर दिया हमने जनाब। और आज हम एक और टेक्निक सीखने वाले हैं सेंटेंस बनाने की, और वो है काउस टेक्निक। बड़ी जल्दी आपके स्क्रीन पे आ रही है। आप कोई भी हो, कहीं भी हो, बैंक की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं स्कूल में इंग्लिश का, अंग्रेज़ी का, या आप मेरे जैसे ही अपनी इंग्लिश को और बढ़िया बनाना चाहते हैं और एडवांस कोर्स करना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या इंटरव्यू कुछ भी कर रहे हैं जनाब, कहीं पर भी हों, इस वीडियो के द्वारा आप इंग्लिश, अपनी इंग्लिश, अपनी अंग्रेजी को ज़ीरो से हीरो के प्रोग्राम में आगे ही आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो मेरा वादा है और आपका इरादा है, दोनों बन के बनेंगे दो दोस्त, आप और मैं। चलिए आज मैं आपको कुछ वोकैबलरी के बारे में बताता हूँ फटाफट। पहला है इनसाइट, ये वर्ड है इनसाइट, INCIT, आपके स्क्रीन पर। उत्तेजना, उत्तेजित होना, किसी को उत्तेजित करना, ये है। और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है आज के समाचार की, समाचार मतलब न्यूज़, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना,
आप इस सूचना को फैलाइए मेरे साथ, फैलाना मतलब स्प्रेड, राइट। और आप निशाना तो अच्छा लगाते हैं जनाब, आपका निशाना एकदम सही है और मेरा भी निशाना एकदम सही है। मैं आपके लिए उत्तम गुणवत्ता की वीडियोस रोज एक के बाद एक लेके आ रहा हूँ, और इसका दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज आप जरूर रखिएगा। और फिर ना बोलना मुझे सेइंग, बोलने को सेइंग बोलना है, बोलता है, बोलते हैं सेइंग, ना मेरे को बोलना कि मैंने आपको रिमाइंड नहीं किया था, मतलब आपको मैंने बताया नहीं दोबारा। आप कोई विरोध में तो नहीं है कहीं? कहीं विरोध है आपके आसपास? वो है प्रोटेस्ट, जी हाँ है, फार्म से रिलेटेड, और फार्म का मतलब खेत होता है। ये तो मीडिया में छाया ही हुआ है, इसका जोड़ मतलब लिंक, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है लिंक? कोई दंगा तो नहीं होने वाला है जनाब? ना ना ना, ऐसा ना बोलें, राइट, RIOT, राइट। अब इन लोगों का इरादा क्या है, इनका ये क्या इंटेंड कर रहे हैं? INTEND आपके स्क्रीन पर, इंटेंड मतलब इरादा। देखिए कहीं सेडिशन ना हो जाए, SEDITION मतलब राजद्रोह, सब आपके स्क्रीन में हिंदी और इंग्लिश में आ रहे हैं जनाब। बस मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि मतभेद ना करें। मतभेद का मतलब होता है डिसेंट, डिसेंट ना करें, DISSENT, और उल्लंघन तो कभी ना करें। हमने उल्लंघन करना सीखा ही नहीं, मतलब आउटरेज, OUTRAGE। चाहे कितना भी उत्प्रेरक हो, कितना भी उत्प्रेरक हो मतलब कि ट्रिगर, कितना भी ट्रिगर हो आपको गलत करने का उत्प्रेरक, ट्रिगर TRIGGER, तो आप तो कार्यकर्ता हैं किसके, आप कर्मठ हैं, हार्डवर्किंग हैं, कर्मठ मतलब हार्डवर्किंग और कार्यकर्ता मतलब एक्टिविस्ट, तो एक्टिविस्ट हैं आप। अपने जुनून को, अपने एंथुजियाज्म को ना भूलिए। ये वातावरण तो आज का थोड़ा सा संक्रिय है, थोड़ा सा क्रिटिकल है। इस वातावरण मतलब क्लाइमेट को भी आप नज़रअंदाज ना करना, और कहीं जो कोई अरेस्ट हुआ मतलब गिरफ्तार, तो अपनी ही वजह से हुआ होगा, और हमें अपनी सोसाइटी में अनरेस्ट नहीं फैलाना है मतलब अशांति। तो हमने इतने सारे वर्ड्स, इतनी शब्दावली आज सीखी, और मुझे बहुत खुशी है कि आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 100 वीडियो बनने हैं जनाब, ये तो 14 है, अब कितने रह गए? 100 में से 14 गए, 86 रह गए, 86 रह गए। हिंदी इंग्लिश का ताना बाना तो चलता ही रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि मैं ये वीडियो आप तक पहुँचाने की प्रक्रिया करूं और पहुँचाऊँ, आपकी फ्यूचर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके मनी मेकिंग के लिए, आपके जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, हर चीज़ के लिए, आपकी खुशी खुशी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और विश करता हूं, और इसी से मैं आपको गुड बाय बोलता हूं। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो को एक नहीं, दो नहीं, तीन बारी, तभी आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। गुड बाय, सी यू, थैंक यू।